देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण न्यूज, मैं हूं प्राची तिवारी। छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का सपना देख रही बीजेपी को कांग्रेस ने मात दे दी। बीजेपी के हार की सबसे बड़ी वजह रमन सिंह से रूठे किसानों को माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस की जीत का सबसे बड़ा कारण छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं ना कहीं 10 दिन में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा भी बताया जा रहा है। शायद इसलिए अब मोदी सरकार ने किसानों को खुश करने के लिए एक फॉर्मूला निकाल लिया है। दरअसल सरकारी सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरबों रुपए के कर्ज माफी का ऐलान कर सकते हैं। कांग्रेस के किसानों को लुभावने वादे कर सत्ता में आने के बाद अब यही दांव पीएम मोदी भी चलना चाहते हैं। इसलिए मोदी सरकार किसान कर्ज माफी के लिए धन के आवंटन की योजना पर काम कर रहे हैं। इस कर्ज माफी के तहत 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जा सकता है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि ये अब तक की सबसे बड़ी कर्ज माफी योजना होगी। आपको ये भी बता दें कि भारत में करीब 26 करोड़ 30 लाख किसान हैं, जो इसी से होने वाली आय के बल पर अपने परिवार का खर्च चलाते हैं। पीएम मोदी की नजर इन्हीं किसान वोटरों पर है। वैसे भी किसान कर्ज माफी चुनाव जीतने का सबसे अहम जरिया बन चुका है। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखा जा सकता है कि कैसे बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किसान कर्ज माफी की घोषणा कर दी थी और इसका असर चुनाव नतीजों पर दिखा और यूपी में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी की सरकार बन गई। वैसे ही बीजेपी की इस सफलता के बाद कांग्रेस ने भी इसी फॉर्मूले को अपनाया और एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जोरदार सफलता हासिल की। इसलिए अब लोकसभा चुनावों में मोदी भी इसी फॉर्मूले पर काम करने को तैयार हैं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।